हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक काउल, जिसे इन्फिनिटी भी कहते हैं। इसे मैं क्रोशिया से बनाऊंगी, आप चाहे तो इसे सिलाइयों से भी बना सकते हैं। बुनने वाले पार्ट को मैं थोड़ा लंबा रखूंगी ताकि आप देख सकें कि ये मैंने कैसे बनाया है। ये बुनने में काफ़ी सिंपल है और दिखने में ऐसे लगता है जैसे सिलाइयों से बनाया गया हो। सबसे पहले मैंने 140 फंदे का सर्कल बनाया था और उसके बाद इसे गोल गोल बुनती गई, और ये रहा हमारा काउल बनके तैयार हो चुका है। इसे पहन के आप ठंड से भी बचोगे और ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी लगेगा। पहले जो ऊनी मफलर बनते थे, बस ये उसी का थोड़ा अच्छा सा रूप है। अब वो मफलर थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया और ये थोड़ा मॉडर्न सा है। इसे आप जैकेट, कोट, साड़ी किसी में भी रख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और ठंड बचाने के साथ साथ आपको एक स्टाइलिश लुक देता है। मैंने इसी से मैचिंग फिंगरलेस ग्लव्स होते हैं वो भी बना दिए हैं, क्योंकि ऐसे ग्लव्स भी मुझे बहुत पसंद है। ये ग्लव्स आपके किसी भी काम में रुकावट नहीं बनते, क्योंकि आपकी उंगलियां आगे से हर समय खाली रहती हैं। और क्योंकि यहाँ पे शीशा नहीं है तो मुझे हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ रहा है। अगर शीशा होता तो मैं एक ही बार में सेट करके दिखा देती कि ऐसा लगेगा। काउल विदेशों में भी बहुत पसंद किए जाते हैं, वहाँ पे इसे महिलाएँ भी बुनती हैं और पुरुष भी। मैंने भी इसे पहली बार किसी इंग्लिश मूवी में देखा था और उसके बाद मैंने तुरंत इसे बना लिया, क्योंकि ऊन के साथ एक्सपेरिमेंट करना मुझे बहुत पसंद है और कई बार मेरे प्रयोग सफल भी होते हैं, आप ही देख लीजिए। हमने पहले भी काफ़ी काउल बनाए हैं, आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके ये सब देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने हाफ ग्लव्स की, जिसे हम फिंगरलेस ग्लव्स भी कहते हैं। इन्हें पहनने से हाथ ठंड से भी बच जाते हैं और आप सारे काम कर सकते हैं, जैसे फोन चलाना, गाड़ी चलाना, लिखना या पन्ने पलटना, नॉट गिनना, सारे काम आप आराम से कर सकते हैं। आपको ग्लव्स हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना कई बार काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, हम पहले ग्लव्स उतारते हैं फिर जाके फ़ोन रिसीव करते हैं। हाँ माना, ज़्यादा ठंड में उंगलियाँ आपकी ठंडी ही रहेंगी, लेकिन बाकी का हाथ बच जाएगा। अब जब तैयार हो ही गए हैं तो फिर फोटो खिंचाना तो बनता है, तो हमने सोचा थोड़ा फोटोशूट करा ही लेते हैं। और आपको मेरा ये काउल और ग्लव्स कैसे लगे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।